व्हाट्सअप गाइज, वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का फ्री फायर की एक और एक्साइटिंग वीडियो में। तो गाइज, जैसे टाइटल और थंबनेल पे आप लोग देख ही लिए हैं कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं समर इवेंट के बारे में, यानी कि हम लोग का समर सीजन स्टार्ट हो गया है। तो अगला साल भी समर का इवेंट आया था, तो अगला साल मैं गैम्पल ही करता नहीं था, बट किसी ने बताया कि भाई अगला साल भी ये वाला इवेंट, इस टाइप का इवेंट आया था, समर वाला इवेंट आया था। तो अगला साल भी मेल और मतलब गर्ल्स और बॉयज़ के लिए एक कॉस्ट्यूम दिया गया था, समर सीजन के लिए दिया गया था। तो हो सकता है कि इस बार भी वो सीजन आएगा, मतलब अगला साल आया था तो इस साल भी श्योरली आएगा है, क्योंकि गरेना हर साल जो मान लीजिए इस साल जो इवेंट देता है ना, अगला साल फिर वो इस सीजन को वो फिर से दोहराता है। तो आज हम इस वीडियो में इस सीजन के फुल डिटेल्स बताने वाले हैं। और गाइज, आपको एक बात बता दें कि ये जो मुझे मिली है, ये जो मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ, तो ये एक लीक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये चीज़ जो है इंडिया में 100% श्योरली आएगी। तो जैसे अगला साल आया था उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि इस साल भी ये वाला इवेंट यहाँ पर आ सकती है। हालाँकि ये वाला इवेंट जो है जापान में स्टार्ट हो चुकी है, वहाँ का सीज़न यहाँ के दिन हो सकता है चेंजिंग हो सकता है, फिर एक ही हो सकता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर और वहाँ पर का जो इवेंट है वो भी एक है, क्योंकि वहाँ पर समर इवेंट स्टार्ट है, यहाँ पर भी समर स्टार्ट है। तो आज हम इस वीडियो में इसका फुल डिटेल्स देने वाले हैं। और आप लोग, फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक लीक्स के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, 100% कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ कि ये श्योरली आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होता है ना कि जब नहीं आता है तो बोलते भाई तेरा इवेंट कहाँ गया, ऐसा लगता है कि मैंने ही इवेंट को बनाया था और उस न्यूज़ को मैंने ही फेक करके प्रोवाइड किया था। तो ये सिर्फ लीक है, और आप लोग ये बात बाद में ये मत बोलिएगा, आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप ये मत बोलिएगा भाई तेरे इवेंट कहाँ गया, तेरे इवेंट कहाँ है, दिख नहीं रहा है गेम में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं। तो ज़्यादा बात करना मन करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए, आपको चैनल सब्सक्राइब करने लायक लगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री फायर गेम से रिलेटेड जितना भी अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। इस इवेंट का लीक्स मैं आप लोगों को इससे पहले भी एक बार थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा चुका था कि यहाँ पर आपको टोटल 50 जो डायमंड रॉयल वाउचर है वो देखने के लिए मिल सकती है, बट यहाँ पर 50 नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ 50 डायमंड रॉयल वाउचर नहीं, यहाँ पर आपको गोल्ड रॉयल वाउचर, वेपन रॉयल वाउचर, उसके बाद किटी और बहुत सारा चीज़ आपको इस इवेंट में देखने के लिए मिल सकती है फ्री में। और गाइज, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर आपको यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। हाँ, भले मैंने फर्स्ट जो न्यूज़ अपडेट जो मैंने दिया था, मतलब आज से 3 दिन पहले, तो वो मैंने पहले खुद मैंने बताया था, उसके बाद ही मैंने देखा हूँ चैनल पे, ऐसा नहीं कि मैं खुद अपना बात कर रहा हूँ, मैंने उससे पहले उस चीज़ के ऊपर वीडियो नहीं देखा था इंडियन सर्वर पे, यानी कि इंडियन यूट्यूबर्स के पास नहीं देखा था, बट उसके पास मतलब कल से थोड़ा बहुत स्टार्ट हो चुका है, तो आज आपको बहुत सारा वीडियो देखने के लिए मिल गया। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर ले यहाँ पर कॉस्ट्यूम की, तो आप देख पाने कि ये वाला हो गया एनल का कॉस्ट्यूम, आप देख पाने कि ऊपर कैफ है और नीचे में आपको मतलब इस सब के पैंट वेंट उसका टैटू लगा हुआ मिल जाते हैं। तो ये जो समर सीजन का कॉस्ट्यूम है, और आपको पता होगा कि हम लोग जो एक समर सीजन का और ए मतलब कुछ कॉस्ट्यूम आया था स्टार्टिंग में ही, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता था, टैटू लगा हुआ रहता है, उसके नीचे भी सिर्फ पैंट रहता है, उसको पूरा सर बॉडी में जो है टैटू रहता है, ऊपर में कैप रहता है। तो इस बार भी आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये है मेल का कॉस्ट्यूम। अब बात कर ले फीमेल का, तो आप देख पा रहे ये हो फीमेल का कॉस्ट्यूम। तो समर सीजन में कुछ इस तरीके का ही कॉस्ट्यूम देखने के लिए मिलती है, स्विमिंग पूल में जो नहाते हैं उनको पता होगा, बट मैं तो अभी तक अपना आँख से स्विमिंग पूल कैसा होता है, उसका पानी कैसा होता है, पानी किस तरीके से आता है, मैंने आज तक देखा भी नहीं हूँ, और शायद सपने में भी नहीं देखा हूँ, तो वो देखना दूर की बात है। बट मूवीज़ वगैरह में, वीडियो वगैरह में देखता हूँ कि स्विमिंग पूल में कुछ इस तरीके से कॉस्ट्यूम यूज़ किया जाता है। और अगर बात करें नेक्स्ट चीज़ की, तो यहाँ पर जो ये चीज़ आपको मिलने वाला है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिंपली आपको कहीं पर ही पड़ा हुआ मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी। जैसे यहाँ पर आप देख पाए ट्यूब, उसके बाद यहाँ पर हम जो मतलब बलून्स होता है जो पानी में तैरने के लिए होता है बलून्स, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट में आपको कोकोनट देखने के लिए मिल जाएगा, फोड़ने से यहाँ पर आपको टोकन मिलेगा, उसके बाद इस तरीके से चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी गेम के अंदर, जिसे आपको यूज़ करना होगा, मतलब कलेक्ट करने से आपको यहाँ पर ये चीज़ आपको मिलेगा। तो गाइज, इवेंट का जो सीजन है, मतलब इवेंट का जो रूल है, कुछ आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। जैसे फर्स्ट बलून बराबर, यानी कि वाटर बलून है, यहाँ पर जो हम लोग पानी में दिखता है बलून ही है, ट्यूब भी बोल सकते हैं आप, बट रियली में ये बलून ही होता है। तो वन बलून बराबर यहाँ पर आपको 500 गोल्ड मिलेगा। नेक्स्ट बात कर ले 3 बलून बराबर यहाँ पर आपको 1 डायमंड रॉयल वाउचर मिलेगा। उसके बाद 5 बलून बराबर आपको यहाँ पर 1 बॉडी मिलेगा, यानी समर सीजन को जो हम लोग कॉस्ट्यूम होता है वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट रो की बात करें, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 5 बोया अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको 100 गोल्ड मिलेगा, 5 से 10 अगर आप बोया करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 कार्ड मिलेगा, जो गोल्ड रॉयल का वाउचर होता है वो आपको 2 मिलेगा। अगर आप 20 बोया करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 जो है
डायमंड रॉयल का कार्ड मिलेगा। तो यहाँ पर इस सिस्टम कुछ इस तरीके से, उससे नीचे मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर आप 30 बोया करते हैं तो यहाँ पर आपको वेपन रॉयल का कार्ड जो है वो 2 मिलेगा, और अगर 50 बोया करते हैं तो यहाँ पर आपको ये बैकपैक मिलेगा। तो ये बैकपैक सही है, इसका वीडियो मेरे पास अभी नहीं है, या फिर मैं आपको दिखा भी सकता था, बट उसके लिए थोड़ा सा एडिटिंग करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा शॉर्टकट में थोड़ा सा करूँ। तो ये इस बैकपैक का मैं फुल वीडियो देखा हूँ, मतलब दिखता किस तरीके से मैं देखा हूँ, मतलब थोड़ा सा फ्लावर टाइप का लगता है देखने में, कुछ खास नहीं लगता बट फ्लावर टाइप का लगता है। तो फ्री में अगर इतना सारा चीज़ मिले तो मतलब क्या ही बात हो जाएगी, साथ ही साथ आपको गन के भी स्किन देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पर जब आपको मिलने वाला, तो ये नहीं कि एक ही दिन में आपको एक ही, मतलब एक ही बार में आपको 50 बोया करना होता है, ऐसा नहीं, मतलब आपको बोया काउंट करना है, जिससे उस हिसाब से काउंट होता है ना, जिससे हर चीज़ का होता है काउंट, तो उसके हिसाब एक बार में, दो बार में, तीन बार में, जितना बार में आपको बोया काउंट करना होता है उस तरीके से काउंट करना होता है। उसके बाद यहाँ पर 50 बोया करने से यहाँ पर आपको ये वाला बैकपैक मिलेगा। और गाइस साथ ही साथ आपको बता दें कि ये इवेंट जो है मतलब एक दो दिन के लिए नहीं, यहाँ पर सिर्फ डेट देखने के लिए मिलता है, तो ये इवेंट मतलब कुछ ज़्यादा ही लंबा टाइम तक चलेगा। हालांकि वहाँ का डेट के हिसाब से पता चल रहा है कि ये जो है 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और 30 जुलाई तक चलेगा, यानी कि पूरा 1 मंथ के लिए चलेगा, यानी कि वहाँ पर जो समर सीजन का जो छुट्टियाँ होगा तो 1 मंथ के लिए होगा। तो यहाँ पर जो हम लोगों को इवेंट देखने के लिए मिलेगा, तो वो हम लोग के यहाँ पर जो देखने के लिए मिल सकता है, तो वो हम लोग के वह 1 मंथ के लिए देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको फिर से एक और चीज़ देखने के लिए, जैसे फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल शायद फुटबॉल या भाई गेंद है, तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा गेम के अंदर। तो इस चीज़ को भी आपको गेम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसके बाद उसे कलेक्ट करना है, कलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसे वेपन रॉयल कार्ड या फिर डायमंड रॉयल वाउचर या फिर किट्टी या फिर फैट फूड या फिर उसका इमोट्स, इन सब चीज़ को आप यहाँ से एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर इस इवेंट पे अगर आप, अगर ये इवेंट इंडिया में आ जाती है ना, बट मस्त मतलब बल्ले बल्ले हो जाएगा यार सब लोगों का। और वैसे मतलब मुझे लगता है कि ये चीज़ इंडिया में आ सकती है, और मैं ये किस तरीके मतलब किस हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि कुछ दिन से इंडिया में बहुत सारा इवेंट आ रहा है, बहुत ज़्यादा इवेंट आ रहा है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि गरेना इस चीज़ को यहाँ पर दे सकती है, और ये श्योरली है, क्योंकि और एडवांस सर्वर पे आप देखे होंगे कि हम लोगों को जो एक मतलब नारियल टाइप का देखने के लिए मिलता था ना, जिसे फोड़ने के बाद आपको कुछ कलेक्ट करना करने के लिए मिलता था, तो यहाँ पर हम लोगों को इस ये वाला इवेंट जो यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। तो इस इवेंट में आपको टोटल जो मिलने वाला है गोल्ड रॉयल वाउचर, तो डायमंड रॉयल वाउचर, तो वो आपको टोटल 50x यानी कि 50 टाइम के लिए देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि टोटल आपको 50 कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये चीज़ अगर आ जाती है गेम के अंदर तो मतलब अच्छा ही रहेगा सबके लिए, जो लोग डायमंड का यहाँ पर से, और वो चीज़ मतलब ये अगर इतना चीज़ देख रहा है ना कि यहाँ पर जो डायमंड का जो ये चीज़ होता है मतलब टॉप अप होता है ना, तो वहाँ पर वो काउंट करता है ना कितना यहाँ पर हम लोग का प्लेयर है, यहाँ पर डायमंड का जो हम लोग की बिक्री है सेलिंग है वो कितना है, और कितने लोग यहाँ पर डायमंड का टॉप अप करते हैं, तो यहाँ पर आपको उसको तो दिखने के लिए मिल ही जाता है ना कि यहाँ पर ज़्यादातर तो जो गेम प्ले करता है वो स्टूडेंट है, जो मतलब पढ़ाई करता है, जिसके पास खर्च नहीं होता, जो मतलब पैसे अर्न नहीं कर पा रहा, और वो गेम प्ले करने के मतलब लत लग गई है, जिसकी वजह से वहाँ पर हर चीज़ को वो ले नहीं पा रहा। तो इस हिसाब से इन हर बात को ध्यान पर रखते हुए गरेना इस इवेंट को यहाँ पर से भी दे सकती है। और हालाँकि यार वो सब कंट्री थोड़ा अमीर कंट्री है यार, हम लोग इंडिया तो मतलब पता ही है ना कि अगर फोकट का मिलेगा तो यार छोड़ेंगे कुछ नहीं, चाहे उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग जाए तो, लेकिन लेंगे ही लेंगे। तो यहाँ पर देख रहा है कि बहुत कम लोग डायमंड परचेज कर रहे हैं, तो इस हिसाब से वो गरेना इस चीज़ को अगर दे देती है तो बहुत मेहरबानी होगी गरेना की, और साथ ही साथ और इतना सारा चीज़ वो फ्री में दे देता है, तो यहाँ पर ये वाला इवेंट अगर दे देगा तो उसे क्या बिगड़ जाएगा भाई। वैसे भी इतना उसका अर्निंग है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते गरेना के एक दिन का अर्निंग कितना है, और उसका डायमंड जो परचेज होता है कितना टोटल कंट्री से होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला इवेंट जो है, ये वाला जो चीज़ गेम है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में चल रहा है, उसका पूरा बहुत सारा कंट्री में चल रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान पर रखते हुए गरेना इस चीज़ को यहाँ पर भी दे सकती है। और क्या जब आपको और बता दें कि मैंने मॉर्निंग पे एक वीडियो अपलोड की थी, जो हम लोग यहाँ पर जो डायमंड रॉयल वेपन रॉयल का जो डेट है वो सीज़न ख़त्म होने वाला है, 2 दिन में ख़त्म होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग का वेपन जो परमानेंट वेपन है वो 2-3 स्पिन में ही निकल रहा है, कभी कभी एक ही स्पिन में निकल रहा है, तो मुझे बहुत सारा स्पिन में मतलब बहुत सारा मिल गया। तो मैंने मॉर्निंग पर वीडियो अपलोड की थी, अगर आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक नहीं देखे हैं तो आई बटन पर वो वीडियो मिल जाएगा, सिंपल आई बटन पर आप क्लिक कीजिए तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आप उस वीडियो को देख लीजिए कि मैंने वहाँ पर से कितना वहाँ पर से मैंने जो रेयर आइटम रेयर अंडे भाई परमानेंट गन की स्किन है मुझे कितना मिली है। तो यहाँ पर सीज़न एंड होने वाला है, इसके हिसाब से गरेना जो है ना
परमानेंट जो गन की स्किन है वो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, और बहुत कम स्पिन में बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 50%, कम से कम 50% से लेके आपको 80% तक डिस्काउंट मिल सकती है। बहुत सारे लोगों को 50% डिस्काउंट मिला, लेकिन मुझे 74% का डिस्काउंट मिला था, जिसमें मुझे 79 डायमंड की जगह पर मतलब ओनली 20 डायमंड में एक स्पिन मिल रहा था। तो आप लोग जाकर चेकआउट कीजिए, वहाँ पर अब आई बटन पर लिंक मिलेगा वीडियो का, वहाँ से वीडियो देख लीजिए, उसको जाके जाइए। वहाँ पर अगर आपके पास डायमंड है तो वहाँ से जाके आप वहाँ से स्पिन कर सकते हैं और अपना जो लक ट्राई कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपका जो परमानेंट गन की स्किन है वो निकल सकती है। तो आपको क्या लगता है कि गरेना ये वाला इवेंट अगर देती है तो मतलब मज़ा ही आएगा, या फिर गरेना इस इवेंट को यहाँ पर इंडिया पे नहीं देगी? बट गाइज, आप लोग नेगेटिव थॉट मत रखिएगा मेरे प्रति कि भाई ने झूठ बोला, ये बोला, फेक बोला, ऐसा नहीं भाई। मुझे लीक्स मिलती थी, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना सा ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।